नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति को जिस तरीके से भाजपा नेता ने उस पे मूत्र विसर्जन कर दिया और आज खबर आ रही है कि उस आदिवासी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, उनका गंगा जल से पैर धो के उनका मान सम्मान फूल माला चढ़ाए। एक दृष्टि से देखा जाए ये राजनीतिकरण है कि एक अपराधी छवि वाले व्यक्ति को, जो एक समाज के नीचे तबके के व्यक्ति को इस तरह से जो इतना नीच हरकत किया है, इसके लिए उसको जिम्मेदार और कठोर से कठोर सजा देने के बजाय उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिल पा रही है, जो समाचार और न्यूज चैनलों में चलाए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उस आदिवासी व्यक्ति को समाज में सम्मान पूर्वक जीने का हक है और ये पहल उन्हें मुख्यमंत्री जी ने किया कि उसका मान सम्मान और फूल मालाओं से स्वागत किया, ताकि वो समाज में अपने आप को एक शोषित वंचित नहीं समझे। लेकिन उस व्यक्ति को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज को जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उसके साथ इस तरीके का जो अन्याय पूर्वक कार्य किया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले और उस भाजपा का जो नेता बताया जा रहा है उस पर कड़ी से कड़ी और कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज को संदेश जाए कि इस तरीके का जो नीच हरकत करने वाले जो व्यक्ति समाज में हैं, उनको उनकी दिमाग का जो बत्ती जो बंद हो जाती है, ऐसे अपराधी छवि वाले जो व्यक्ति हैं उनको एक संदेश मिलना चाहिए कि इस तरीके का जो अगर कोई कृत्य करता है तो उसका सजा क्या मिलेगी। एक मिसाल हो आदिवासी भाइयों का, आदिवासी लोगों का, सरकार से एक संदेश जानी चाहिए और सब लोगों को समाज में बराबर का हक हो, बराबर से जीने का हक होना चाहिए। यही मेरा सरकार से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है। धन्यवाद।